भगवान ने कहा कि दारुक, तुमने भी मेरी खूब सेवा की है, इस रथ सहित तुम भी मेरे धाम को वास करो और जाने से पूर्व मेरे काम कर दो। मेरे परम सखा अर्जुन से कहना कि आज के सातवें दिन द्वारका पूरी समुद्र में डूब जाएगा, इसलिए जितने वृद्ध हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी स्त्रियां हैं, सबको लेकर हस्तिनापुर चले जाए, जो आपने कहा। दारुक ने भगवान को प्रणाम किया और दारुक जो है वहां से चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण किया और समस्त देवता अपने हाथों में पुष्प लिए भगवान के सुधाम गमन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और चराचर जगत में जितने भी नर नारी हैं, गौ माता है, सबके नेत्र सजल हो गए और सब भाव विभोर हो जाते हैं महाराज। और उस समय सब भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं और भगवान इस धराधाम को छोड़कर भगवान सुधाम गमन करने लग जाते हैं। Oh,